नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को अपना रंग दिखाने लगे हैं। कल तक वो CAA के पक्ष में थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और NRC का तो सवाल ही नहीं। असल में बहुत पहले से ही नीतीश कुमार CAA को लेकर दोहरा चेहरा दिखा रहे थे। एक चेहरा उनकी पार्टी की लाइन का था, जिसके तहत संसद में JDU ने CAB का समर्थन किया, लेकिन दूसरा और शायद असली वाला चेहरा प्रशांत किशोर वाला था, जो लगातार CAA के खिलाफ बोलते रहे। ज्यादा दिन नहीं बीते जब उन्होंने कहा था कि बिहार में CAA लागू नहीं किया जाएगा। अब नीतीश कुमार एक तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। CAA पर चर्चा की बात कहने के पीछे उनका संकेत साफ है कि वो इसके खिलाफ है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि CAA पर बहस होनी चाहिए और अगर सभी पक्ष इससे सहमत हैं, तो फिर इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ये आग पाने का खेल क्यों खेल रहे हैं? माना जा रहा है कि सब सीटों का झगड़ा है। नीतीश कुमार NDA में सबसे ज्यादा सीटें चाहते हैं और बीजेपी कम सीटें देना चाहती है। मामला यहीं पर अटका हुआ है। NDA के सहयोगी रामविलास पासवान की पार्टी अपने इरादे साफ कर चुकी है कि उन्हें 44 सीटें चाहिए। बीजेपी भी चाहती है कि सीटों का मामला सुलझ जाए ताकि तैयारियां करने का वक्त मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इसे लटकाए रखना चाहते हैं और इसी वजह से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। CAA को लेकर उनका बदला हुआ रवैया इसी बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले छोड़ दिए हैं। सौदा नहीं पटने पर वे कांग्रेस और लालू प्रसाद के साथ फिर जाने का इरादा रखते हैं और ये खेल वो प्रशांत किशोर को आगे करके मजे से खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।